पीजीटी पीजीटी कला सभी छात्र छात्राओं को चंद्रा क्लासेस प्रयागराज चैनल में स्वागत है। आज जो है फिर अभी हम क्या चला रहे हैं, यानी अकबर कालीन क्या चल रहा है, अकबर कालीन जो आज चल रहा है। पहले हम सबसे पहले क्या देखेंगे, प्रश्न देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न देखने के बाद जो है हम आज दसवंत क्या देखेंगे, दसवंत चित्रकार देखेंगे। ठीक, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या है ये, तो हम देख रहे हैं कि पहले प्रश्न को हम देखें क्या चल रहा है। तो हम प्रश्न में चले, देखिये अमीर हमजा ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है। तो अमीर हमजा ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है, तो कितने, 12 खंडों में, 10 खंडों में, 8 खंडों में, 14 खंडों में। अरे जो प्रश्न है ये आपका प्रश्न क्या है, आंसर क्या सही होगा, यानी 12 खंडों में। क्या है? अमीर हमजा ग्रंथ कितने खंडों में विभाजित है, यानी आपको ध्यान देना है 12 खंडों में। हमने कल ही बताया था अमीर हमजा में कितनी कहानियां हैं, 360 कहानियां हैं, ये भी मैंने पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और अगला प्रश्न हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे अमीर हमजा ग्रंथ, अमीर हमजा ग्रंथ के भारत कला भवन वाराणसी में कितने चित्र हैं। तो पूछा जाएगा अमीर हमजा ग्रंथ के भारत कला भवन वाराणसी में कितने चित्र हैं, 6 चित्र हैं, 4 चित्र हैं, 3 चित्र हैं कि 2 चित्र हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्या आपको याद रहना चाहिए, भारत कला भवन वाराणसी में कितने चित्र हैं, 2 चित्र हैं। ठीक, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 20 यानी 22 देखेंगे, 22 यानी क्वेश्चन नंबर जो है 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। क्या क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में देखेंगे अमीर हमजा ग्रंथ के, क्या अमीर हमजा ग्रंथ के साउथ कैसिंगटन, क्या साउथ कैसिंगटन में कितने चित्र सुरक्षित है। तो साउथ कैसिंगटन में आपसे पूछा जाएगा कितने चित्र सुरक्षित हैं, तो कितने, 24 हैं, 61 हैं, 25 हैं कि 12 हैं। तो आपको साउथ कैसिंगटन की बात कर रहा है, साउथ कैसिंगटन संग्रहालय में कितने चित्र हैं, आपको ध्यान देना है 25 चित्र हैं। क्या पहली बात तो 24 आप काट दीजिए, क्या 24 है नहीं, 12 है नहीं, तो काट दीजिए, बचा है और 61 और 25। तो जी 61 जो है, 61 जो है ये क्या है, बियाना कला उद्योग संग्रहालय में। ठीक है, तो बियाना संग्रहालय में 61 चित्र है। ठीक है, अब 25 चित्र जो कहाँ है ये आप ध्यान दीजिएगा, साउथ कैसिंगटन संग्रहालय में है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर, अकबर के समय में 1400 चित्र कितने जिल्दों में तैयार हुए, बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी 1400 चित्र जो है अकबर के समय में कितने जिल्दों में तैयार हुआ था, 18 जिल्दों में, 12 जिल्दों में, 15 जिल्दों में, 17 जिल्दों में, यानी कितने जिल्दों में तैयार हुआ था। हम आपको एक एक पॉइंट को, एक एक जो है चीज को प्रश्न बना रहा हूँ और हटा भी दूंगा, यदि आप इसको नियमित रूप से पढ़ते रहेंगे और उसके बाद हम पढ़ाएंगे, फिर ध्यान देना। ठीक है, यानी अकबर के समय में 1400 जो चित्र बने थे, क्या 1400 चित्र जो बने थे कितने तैयार हुआ था, 17 जिल्दों में तैयार किया गया था। कितने, 17 जिल्दों में तैयार किया गया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखे, फिर दिया है क्वेश्चन नंबर 24, क्या है क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में देखेंगे क्या देखना है, क्वेश्चन नंबर 24, तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमजा नामा ग्रंथ के चित्रों की माप है। तो चित्रों की माप कर रहा है, क्या कर रहा है, यानी 67.5 × 50 सेंटीमीटर, 67.10 × 52 सेंटीमीटर,
विशाढ़ गुणे 52 सेंटीमीटर, अड़सठ गुणे 48 सेंटीमीटर, इसमें कौन सही है? तो आपको कौन सही है ये भी आपको ध्यान देना है, यानी 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी 50 यानी 67.5 गुणे 50 सेंटीमीटर है, ये आप अमीर हमजा के ग्रंथ के चित्रों की माप। तो आप देखेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 25 यानी फतेहपुर सिकरी अवस्थित ऐतिहासिक स्मारक है, जो है फतेहपुर सिकरी में अवस्थित जो है ऐतिहासिक स्मारक कौन है? इसमें बुलंद दरवाजा है, पंच महल है कि हवा महल है? आप देखिएगा हवा महल, तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। तो ये ध्यान दीजिएगा हवा महल जयपुर में है, ये जयपुर में है, इसका निर्माण किसने करवाया था हवा महल का? ये जो है प्रताप सिंह ने हवा महल का निर्माण करवाया, ठीक है। अब जो है ये देखेंगे पंचमहल और जो है ये दोनों का है फतेहपुर सिकरी में है, फतेहपुर सिकरी में है, ठीक है। ये यानी ए और बी दोनों मिल रहा है ना, ए और बी दोनों मिल रहा है, ये आप सही कर लीजिए, बुलंद दरवाजा पंचमहल फतेहपुर सिकरी में ही अवस्थित है। आप देखिए क्या हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? जय सिंह ने करवाया, मान सिंह ने करवाया, प्रताप सिंह ने करवाया, ईश्वरी सिंह ने करवाया? कौन करवाया? प्रताप सिंह ने, ठीक। कौन है? प्रताप सिंह ने। यानी हवा महल का निर्माण किसने करवाया ये आप ध्यान दिए रहिएगा, कब करवाया था ये भी याद रहना चाहिए, कब करवाया था याद है, याद होना चाहिए। तो 1699 ईस्वी में। कौन? 1699 ईस्वी कि 1799 ईस्वी, ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो याद रहना चाहिए, तो याद रहना चाहिए कितना 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने निर्माण करवाया था। देखेंगे आगे चलेंगे, क्या आगे चलना है? क्वेश्चन नंबर आपका 27, क्या क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 ये देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर, दिल्ली, जयपुर, मथुरा, पंजाब। तो कहाँ अभी हम बताए थे, यानी कि हवा महल कहाँ स्थित है ये सबको पता है, यानी क्या है? जयपुर, ठीक है। और हवा महल का निर्माण किस सन में हुआ था आपको अभी हम अभी आगे आगे बताया कि यानी 1799, 1699, 1857, 1757। तो यानी आपको देखना है इसमें ऑप्शन कौन सही है, तो जो है कौन ऑप्शन सही है अभी हम आगे जाकर के ही बता दिया था कि जो है अगला प्रश्न 1799 अभी मैं पहले ही बता दिया था, क्या आगे ही पहले हमने बता दिया कि क्या है, अरे हम हवा महल का निर्माण कौन कराया, किसने कराया, अरे प्रताप सिंह ने करवाया, कौन कहाँ स्थित है हवा महल? जयपुर में स्थित है, और इसका जो है किस सन में इसका निर्माण हुआ? 1799 ईस्वी, ठीक। और झूलती हुई मीनार क्या पूछ रहा है? झूलती हुई मीनार कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है तो ये आपको देखना है, क्या झूलती हुई मीनार को पहले चर्चा हम करेंगे, तो पहले देखेंगे, पूरा ऑप्शन नहीं आ रहा है आप देखेंगे, ठीक है। झूलती हुई मीनार, तो झूलती हुई मीनार की बात करेंगे, क्या करेंगे? झूलती हुई मीनार देखें, ये झूलती हुई मीनार कहाँ स्थित है? जयपुर, नागपुर, दिल्ली, अहमदाबाद। तो कहाँ है? अहमदाबाद। झूलती हुई मीनार कहाँ स्थित है ये आप याद किए रहिएगा, अहमदाबाद में है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक। इनका झूलती हुई मीनार कहाँ स्थित है? अहमदाबाद। चले क्वेश्चन नंबर 30 यानी 30, रजनामा किस शैली में
रजनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? यानी जो है रजनामा, रजनामा यानी महाभारत को कहा गया, हमने पहले बताया था। तो महाभारत यानी महाभारत का दूसरा नाम क्या है? रजनामा है। और रजनामा किस शैली में चित्रित किया गया है? तो पहाड़ी शैली, कंपनी शैली, जैन शैली कि मुगल शैली। तो यानी आपको याद आ गया होगा रजनामा किस शैली में चित्रित किया गया, यानी मुगल शैली। याद किए रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ठीक है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, दूसरे तक नहीं जाना चाहिए मटेरियल आपकी, ठीक है? हाँ नहीं, एक एक क्वेश्चन की मार हो रही है, तो जो है जब मार हो रही है तो आप लोग जानते रहिए, जब मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। और आज के समय में ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का है। यदि भाई अवैध है, कोई कह दिया भाई साहब अरे बहन जी थोड़ा बता दीजिए ये फला प्रश्न का आंसर क्या है, मान लीजिए आप बता दिए, क्या आप बता दिए, जब आप बता देंगे हो सकता है कि ये जो है मेरा प्रश्न गलत हो, एकाखी गलत हो जाए, वो हमसे आगे चला जाए। जब आगे चला जाएगा तो सिलेक्शन उसका होगा कि हमारा होगा? तो कंपटीशन है तो आपको छल कपट करना है, क्या करना है? छल कपट करना है। और यहाँ तक कि जो है जाए परीक्षा हाल में कहीं में भी आप जो है अपना चीज शेयर मत करिए, जो शेयर करिए जो सबको आता हो, जो शेयर करिए सबको आता हो, और जो नहीं आ रहा है वो मत शेयर करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अरे मुगल क्या है? मुगल लघु चित्र कला, मुगल क्या लघु चित्र शैली का उद्भव, क्या पूछ रहा है? मुगल लघु चित्र शैली का उद्भव जन्म या आरंभ किस काल से हुआ? तो 14वीं सदी से हुआ, 13वीं से हुआ, 15वीं से हुआ कि 16वीं से हुआ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ध्यान देना है, क्या? यानी मुगल की पूछ रहा है तो आप किसको लगाओगे? 16वीं। कैसे? जो आपको सॉल्व किया जा रहा है, जो सॉल्व किया गया है पेपर, चाहे घटना चक्र का हो चाहे युद्ध का हो, उसमें सब गलत दिया है, ठीक है? तो आपको क्या, जब हम ये बताइए, जब हम 1526 में, क्या जब 1526 ईस्वी में बाबर, क्या बाबर, बाबर व इब्राहिम लोदी, इब्राहिम इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है, ठीक है? बाबर व जो है इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध होता है। जब ये युद्ध हो रहा है और इसी बीच यानी युद्ध में यानी 1526, ठीक है, 21 अप्रैल, क्या 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, क्या? पानी, तो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, तो युद्ध हुआ और बाबर विजय विजय यानी विजय मिल गया, बाबर, क्या बाबर को विजय मिली। तो बाबर को विजय जब मिली, इन्होंने ही क्या यानी ये बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की, यानी मुगल जो है क्या हमने पढ़ाया हूं, तो मुगल क्या मुगल वंश की स्थापना होती है, ठीक है, स्थापना हो रही है। और इसके बाद जो है ये मुगल वंश पूछा जाएगा, क्या पूछा जा रहा है? ये मुगल लघु, क्या पूछा जा रहा है? मुगल लघु की बात कर रहा है, ठीक है, मुगल लघु की बात कर रहे हैं। तब ये आ गया कब? जब मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्समद, कौन? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्समद, अब्दुस्समद, ये अब्दुस्समद दोनों जो है क्या, दोनों मिल करके ये कब आए थे? तो हिमाओं के समय कब आए थे? तो हिमाओं के जो समय में आए वो जो है 1549 ईस्वी में आए थे, क्या 1549 ईस्वी में भारत आए थे। इसके बाद मुगल साम्राज्य की जो है ये नींव डाल दी, ठीक है, जब नींव डाल दी तो ये जब चित्रकार आए, और जो है फिर हम देखेंगे, क्या देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या है इसमें, ये 16वीं शताब्दी है, क्या है भैया? तो याद किए रहिएगा आंसर क्या है, मुगल
यानी मुगल अलग चित्रशैली का आविर्भाव कब हुआ? 16वीं शताब्दी हुआ। आईने अकबरी की रचना की, आईने अकबरी की रचना कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। कौन किया था? अबुल फजल ने किया था। बसावन, अकबर, अबुल हसन, ये अबुल हसन जहांगीर के समय है। जहां जहांगीर, तो जहांगीर के समय क्या है ध्यान दीजिएगा। और ये अकबर शासक है, क्या है? शासक है। और ये जो है बसावन क्या है? छवि चित्रकार। छवि चित्रकार यानी सभी चित्रकार, सभी चित्रकार था। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देते रहिएगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 30 यानी 33, आईन ए अकबरी में कुल कितने चित्रकारों का उल्लेख किया गया है? आईन ए अकबरी में कुल कितने चित्रकारों को उल्लेख किया गया? अब देखिएगा आईन ए अकबरी, तो आईन ए अकबरी में आपको देखेंगे कुल कितने चित्रकार का उल्लेख किया गया। अब हम देखेंगे 17, क्या 17 हिंदू चित्रकार थे, 17 हिंदू चित्रकार, हिंदू चित्रकार थे। और इसके बाद जो है 4 मुस्लिम, क्या 4 मुस्लिम, 4 मुस्लिम चित्रकार थे। ये देखिए दोनों के जोड़ेंगे, क्या कुल की बात कर रहा है, कुल कितने चित्रकार थे? तो 17 4 21, 21 चित्रकार हैं। देखो नहीं है ना, ऑप्शन में है कि नहीं है? ये देखिए क्या ये जो है कुल चित्रकार की बात कर, 19 है कि 17 है कि 15 है कि कोई नहीं। यहाँ जो है एक ऑप्शन यहाँ काट करके थोड़ा यहाँ ऑप्शन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्या ऑप्शन जो है क्या लिखेंगे, ये देखेंगे क्या कोई नहीं, कोई नहीं। अब बताइए अब सही हुआ, यानी कोई नहीं, क्या ऑप्शन में देखेंगे यानी 17 19 17 15 इनमें कहा है, यानी एक ऑप्शन आप ले लीजिए क्या कोई नहीं। ठीक है, यानी 13 को काट कर दीजिए कोई नहीं। यानी आप टोटल जो है कितने आने अकबरी में कितने टोटल चित्रकार है? 21 है। जब इसमें ये पूछा गया होता कि इसमें आने अकबरी में हिंदू चित्रकार कितने थे, क्या हिंदू, तब आपको जो कितना हो जाता 17। ठीक है, यानी 17 वो जो है ऑप्शन में नहीं है। और टोटल जो है चित्रकार कितने हैं? 21 है। और जो है फिर अगला इसमें कोई नहीं। ठीक है, इसमें ध्यान देना कोई नहीं, ये ऑप्शन सही है, ये गलत छापा था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्या क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखना है, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर ये देखेंगे किस मुगल शासक ने चित्रशाला स्थापित किया था? अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। इसमें ऑप्शन जो है जो सही होगा वो अकबर। किसने चित्रशाला स्थापित किया था? अकबर। मुगल काल में चित्रशाला को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मिनिएचर कहा जाता है, कारखाना कहा जाता है, पोथी खाना कहा जाता है कि दीवान कहा जाता है? तो आपको देखना है क्या मुगल काल में चित्रशाला को क्या कहा गया? ये कारखाना कहा गया, क्या कहा गया? तो कारखाना कहा गया। अब ये पूछा जाएगा मिनिएचर किसे कहा जाता था? लघु चित्रकला को, क्या लघु चित्रकला को जो है मिनिएचर शैली का है, मिनिएचर कहा जाता है, लघु क्या लघु चित्रकला, तो लघु चित्रकला को बात कर रहे हैं। लघु चित्रकला को क्या कहा जाता है? मिनिएचर कहा जाता है। लेकिन जो कारखाना किसे कहा जाता है? चित्रशाला को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर ये जो है आपको 35 जो है कौन सही है, यानी बी सही है। और आगे चलेंगे क्या क्वेश्चन और जो है अब दिखाना है 36, तो अकबर ने कितने स्थानों पर चित्रशाला स्थापित किया था? तो कितने स्थानों पर किया था, यानी आपको ध्यान देना है 3 स्थानों पर। कितना ध्यान देना है? अकबर ने कितने स्थानों पर, देखिए
कभी आप चार ना लगाइए कि चार ऑप्शन है तो तीन लगाना। यानी अकबर ने कितने स्थानों पर चित्रशाला स्थापित किया? यानी तीन। ठीक है, पहला कहाँ है? आगरा है, आगरा। दूसरा क्या है? फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी सिकरी। तीसरा क्या है? लाहौर, लाहौर। चौथा ये हो गया ना तीन, यही है। आने तीन स्थानों पे आगरा, फतेहपुर सिकरी, लाहौर। ठीक, ये जो है तीन स्थानों पे जो है इन्होंने स्थान चित्रशाला स्थापित किया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, तो क्वेश्चन नंबर 37 में देखेंगे क्या, 37 में देखेंगे अकबर ने अपने समय में कितनी बार चित्रशाला स्थापित की थी। ये आपका प्रश्न आ गया, कंफ्यूजन दूर हुआ। यहाँ मैं क्या पूछा, कितने स्थानों पर चित्रशाला स्थापित किया? अकबर ने अपने समय में कितनी बार चित्रशाला स्थापित किया? तब आप लगाएंगे क्या, चार बार। क्या? चार बार। ठीक है, ये प्रश्न आपको सही हो गया, मतलब कंफ्यूजन तो नहीं है ना, अनेक आपको दूर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, चलते हैं, अब हम अगला पॉइंट लेके आते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लेके आएंगे, अब देखेंगे ये देखें क्या, आज हम जो है दसवंध देखेंगे। क्या देखेंगे? दसवंध। चलो देखते हैं दसवंध। दसवंध क्या है? दसवंध। तो दसवंध हम देखेंगे, क्या देखेंगे? दसवंध देखना है तो दसवंध देख ले। ठीक, तो दसवंध देखें, और इसके बाद जो है हम दसवंध देख रहे हैं, उसके बाद जो है ना बसावन देखेंगे, और ख्वाजा अब्दुस्समद मीर सैयद अली को पढ़ाया हूं। देखेंगे दसवंध, तो दसवंध की बात कर रहे हैं, तो दसवंध वाले में हम देखेंगे मातिर, 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 ओल, ओल, उमरा, उमरा के लेखक, के लेखक कौन है? तो लेखक कौन है ये देखना है, शाहनवाज, शाहनवाज, तो शाहनवाज की बात करेंगे। खान, ये शाहनवाज खान, खान थे, शाहनवाज खान थे, अनेक मातिरुल उमरा के लेखक थे। ठीक है, और देखेंगे, अब हम देखेंगे आगे चल के दस्ताने अमीर हमजा, तो लिखने और चित्रित करने की योजना किसने बनाई थी या बनाई गई? आने जो है दस्तान, दस्तान यहां से पॉइंट देखेंगे, दस्तान ए अमीर हमजा, अमीर हमजा, अमीर, अमीर हम जा, अमीर हमजा देखेंगे, अमीर हमजा, अमीर हमजा में क्या, अमीर हमजा ये ध्यान देना है, अमीर हमजा में
लिखने लिखने क्या लिखनी देखा जाएगा, लिखने व एवं चित्रित करने एवं चित्रित करने की योजना बनाई गई। चित्रित चित्रित ठीक है, तो चित्रित करने की चित्रित करने की योजना योजना बनाई गई। फिर देखेंगे, और हमने आपको बताया कि आईने अकबरी में चार चित्रकारों का उल्लेख हुआ है ना, हम आपको पहले ही बताया था आईने अकबरी में कितने चित्रकारों का उल्लेख हुआ था, और ये जो है चार चित्रकारों का उल्लेख हुआ था। फिर आगे चलेंगे क्या, इसी में जो है क्या अब पूछा जाएगा क्या, दशवंत दशवंत कहार जात क्या, कहार जात क्या, कहार देखा जाएगा, कहार जात क्या हिंदू हिंदू चित्रकार था, हिंदू चित्रकार चित्रकार था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर अगला पॉइंट देखेंगे क्या, अगला पॉइंट देखेंगे, ये देखेंगे ये राजकीय चित्रशाला में कार्य करता था, राजकीय राजकीय चित्रशाला में कार्य करता था, कार्य कार्य करता था, ये कार्य करता था। और वह आरंभ में फतेहपुर सीकरी में वह आरंभ में पूछा जाएगा, वह आरंभ में फतेहपुर सीकरी क्या, फतेहपुर सीकरी सीकरी फतेहपुर सीकरी ये पूछा जाएगा, फतेहपुर सीकरी में स्थित चित्र ये पूछा जाएगा क्या, चित्रशाला क्या है, चित्रशाला तो चित्रशाला पूछा जाएगा, चित्रशाला में सेवक के रूप में नियुक्त थे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे चलेंगे क्या, हमने जो है दशवंत क्या, एक नोट पॉइंट मिलेगा, दशवंत क्या है पूछा जाएगा, दशवंत क्या था, जयपुर शैली दशवंत जयपुर शैली के आराइस आराई आराइस ये आराइस पद्धति में कुशल चित्रकार था क्या, कुशल चित्रकार था। ठीक है क्या, ये राज यानी दशवंत जो है जयपुर क्या, दशवंत जो है जयपुर शैली का आराइस पद्धति का कुशल चित्रकार था। इसके बाद जो है अगला पॉइंट हम देखेंगे क्या, अब देखेंगे और इसमें जो है कुछ जो है, और ये जब आराइस पद्धति में चित्रकार अकबर का जो है यानी जो है किसपे, दशवंत के ऊपर नजर पड़ गई, अकबर जो है ये दशवंत यानी अकबर की जो है नजर दशवंत के ऊपर पड़ गई, और इसे जो है ये दशवंत को बुला कर ख्वाजा अब्दुल समद
के निर्देशन में के निर्देशन 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 में चित्रकला सीखी, चित्रकला सीखी सीखी, ठीक है। ये आपको पॉइंट मेन है, तो सीखी चित्रकला सीखी। फिर इसके बाद जो है हम ध्यान देना है, ठीक है, और आगे ध्यान देना है, और जो है रजनामा में क्या, रजनामा रजनामा में अन्य क्वेश्चन लिखे महाभारत, क्या महाभारत 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 रजनामा में कुल कुल 21 चित्र 21 चित्र दशवंत ने बनाया था, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, और 21 चित्र जो है दशवंत ने जो है बनाया था, और इसी जो है रचना काल लगभग जो रचना काल है रजनामा का 1584 ईस्वी है, क्या है 1584 ईस्वी में लगभग रचना हुई थी, ठीक है। और इसके बाद जो है, और इसमें जो है कई चित्रकार थे, यानी मिस्किन थे, क्या थे मिस्किन, कौन थे मिस्किन रहन। फिर उसके बाद कौन था, ये मिस्किन देखेंगे, सरवन देखेंगे, सरवन भी था, और क्या था केशु था, केशु केशु के कोश केशव कहते हैं, केशव कहते हैं चित्रकार, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, और इसके बाद जो है और कोई चित्रकार था, नाम विशेष है। और अगला पॉइंट देखेंगे, क्या अगला पॉइंट देखेंगे, और ये जो है तैमूर नामा के जो है का जो है नाम, ये रजनामा का नाम अंकित है तैमूर। फिर और ये जो है पूछा जाएगा तैमूर नामा का जो है चित्र जो है किस संग्रहालय में रखी गई है, तो तैमूर नामा का चित्र राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये ध्यान देना है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है अब मिलेगा, क्या केशु या केशव, नाम एक ही है केशव, ये पूछा जाएगा केशव। ये किस प्रकार के जो है, ये किसमें पारंगत थे, ये आपको ध्यान देना है। तो ये ध्यान देना है, ये केशु या केशव अने ईसाई, क्या ईसाई, ध्यान देना है ईसाई, ये ध्यान देना है ईसाई पद्धति व यूरोपीय क्या यूरोपीय पद तकनीकी में चित्र बनाया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और जो है ये आपका केशु ध्यान दीजिए। दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्या दशवंत, ठीक है, तो दशवंत भारतीय वातावरण ये पूछा जाएगा, भारतीय वातावरण को कुशलता के साथ चित्रण किया है, के साथ साथ चित्रण चित्रण किया है, ठीक है। ये किया है दशमंत जो है भारतीय वातावरण के कुशलता के साथ चित्रण किया है, और आपको ध्यान देना है।
और इन्होंने इनकी जो है विशेष रुचि यानी दशमंत की विशेष रुचि लिखिए, दशमंत की विशेष रुचि। तो विशेष रुचि किसमें रही है? देवी देवताओं की, देवी देवताओं देवताओं देवी देवताओं की। ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? देवी देवताओं की। पूछा जाएगा दशमंत का जो है विशेष रुचि जो है किसमें रही है, किस प्रकार के चित्र बनाने में जो है विशेष रुचि रही है, यानी देवी देवताओं का। क्या? देवी देवताओं का चित्रण, देवी देवताओं का चित्रण बड़ी सुंदरता के साथ दिखाता था, बड़ी बड़ी सुंदरता सुंदरता के साथ साथ चित्रण करता था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला पॉइंट चलेंगे देखेंगे और देखेंगे फिर देखेंगे। दशमंत 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 क्या ये देखेंगे? दशमंत भयंकर भयंकर देखना है, दशमंत भयंकर भयंकर राक्षस देखेंगे, राक्षस राक्षस देखेंगे क्या है, राक्षसी भयंकर राक्षसी आकृतियां 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 दशमंत क्या है यानी भयंकर पूछा जाएगा। ये ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है? ये आकृतियां वह आतंकपूर्ण आतंकपूर्ण चित्रण किया है। ठीक है, और इसके बाद जो है यह चित्रों में क्या, चित्रों में परिपेक्ष क्या, चित्रों में क्या दिखा रहा था, यानी चित्रों में क्या दिखा है, परिपेक्ष क्या है, परिपेक्ष परिपेक्ष तथा तथा दूरी परिपेक्ष व दूरी जो है का आभास होता है, का आभास आभास होता है। ठीक है, ये ध्यान देना है, होता है। फिर अगला पॉइंट मिलेगा क्या, ये मिलेगा और ये जो है रजनामा में उल्लेख किया गया है, रजनामा में उल्लेख किया गया है कि एक दिन दशमंत उन्माद रोग यानी पागल। ठीक है, ये जो है ये दौरा पड़ा और जो है एक ही मुगल काल का एक शासक था जिन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, यानी यही दशमंत जो था क्या हो गया था, पागल हो गया था, क्या हो गया था, पागल हो गया था। और ये फतेहपुर सिकरी में 99 देवी देवताओं का चित्र बनाया है, यही क्या, यही जो है दशमंत जो है 99 देवी देवताओं का चित्र बनाया, यानी किस जो है कहाँ बनाया है, यानी आपको ध्यान देना है फतेहपुर सिकरी सिकरी। ठीक है, कहाँ, फतेहपुर सिकरी में के दीवालों में जो है ये कितना बना है, 99 देवी देवताओं का जो है चित्र बनाया था। और ये जो है ये पागल हो गया और दशमंत जो है अपनी जो है कटार मार करके आत्महत्या कर ली। और इसके बाद जो है ये फतेहपुर सिकरी की दीवारों को जो है भित्ति चित्रण किया है। तो पूछा जाएगा फतेहपुर सिकरी के यानी भित्ति चित्र के जोड़ लीजिए, भित्ति चित्र बनाया। ठीक है, कौन बनाया कलाकार, यही बनाया था। ठीक, अगला पॉइंट चलेंगे हम देखेंगे। और ये जो है अब ये जो है पूछा जाएगा दशमंत किसमें विशेषज्ञ था, दशमंत
दशमंत किस प्रकार के, ये पूछा जाएगा दशमंत किस प्रकार के चित्र चित्र बनाने में आने ये पूछा जाएगा। विशेषज्ञ था, ये ध्यान दीजिए, तो विशेषज्ञ था इसको भी लिख लीजिए, क्या विशेषज्ञ था, विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञ था, क्या विशेषज्ञ था, किसमें विशेषज्ञ था, भित्ति चित्र, भित्ति चित्रण में। अब हेडिंग चलेंगे, क्या चलेंगे, अब चलेंगे हम देखेंगे बसावन, क्या बसावन, ये चौथा चित्रकार है बसावन, चलो बसावन देखेंगे, क्या देखेंगे बसावन छवि चित्र या सभी है, सभी या पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट चित्र बनाने में निपुण चित्रकार, ठीक है। ये आगे अब जो है बसावन की बात कर रहे हैं, क्या ये पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिए, क्या जब ये प्रश्न पूछ रहा है किसमें पारंगत था, ये आप ध्यान दीजिए, प्रश्न आया हुआ है तो ये हम ध्यान देंगे। आने अकबरी में अबुल फजल, आइन अकबरी कृति, क्या आइन अकबरी कृति अबुल फजल अबुल फजल अबुल फजल, ठीक है, ने उल्लेख किया है कि बसावन ने ख्वाजा अब्दुल समद से चित्रकला सीखा था, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बार बार देखना है। और ये जो है क्या, ये कौन, अनिल जो है बसावन, क्या बसावन हिंदू चित्रकार था, बसावन हिंदू चित्रकार था, बसावन हिंदू चित्रकार था, ये पूछा जाएगा। और इसके बाद जो है ये पूछा जाएगा इसने किसमें चित्रों की बनाया है, तो देखा जाएगा बहारिस्तान, क्या बहारिस्तान, ये बहारिस्तान पूछा जाएगा, बहारिस्तान ए जामी ये पुस्तक है, क्या है पुस्तक है जिसमें एक चित्र बनाया है, इसमें जो है बहारिस्तान में, यानी बहारिस्तान में एक चित्र बनाया है, कौन बनाया है, बसावन ने बनाया, चित्र बनाया है, तो कौन चित्र है, शेख जो है अब्दुल, क्या है अब्दुल उल कसाव, अब्दुल उल कसाव का चित्र बनाया है, कसाव का चित्र बनाया, और इसमें जो है कसाव को बनाया अली अब्दुल
उल्का साहब को का चित्र बनाया, इसमें क्या बनाया है, यानी दरवेश संत के दर्शन करते हुए, दरवेश दरवेश, ठीक है, ये याद करना है, दरवेश संत का दर्शन करते हुए, दर्शन करते हुए चित्र बनाया है, हुए चित्र बनाया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये बसावन ही जो है आपका किसमें सर्वाधिक चित्र जो है, अबुल अकबर जो है, अकबरनामा, क्या अकबरनामा का चित्र बनाया है, यानी सर्वाधिक चित्र की बात करेगा, यानी मुख्य बात करेगा तो मुख्य जो है किसने निभाया था, ये आपको चलेंगे बसावन, ठीक है। यानी जो है पूछा जाएगा अकबरनामा, तो अकबरनामा में अधिक अधिक चित्र बनाया है, चित्र बनाया है, ये आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ये प्रश्न आ चुका था, कब आया था, 2021 में TGT में आया था, ठीक है, और ये जो है इम्पोर्टेंट है। और फिर आगे चलेंगे, अब्दुल उल कसाब दरवेश संत का दर्शन करते हुए चित्र बनाया, और इसके बाद बीरबल का भी चित्र बनाया है, बीरबल का चित्र बसावन ने बनाया है। और यह चित्र कहाँ रखी गई है, भारत कला भवन वाराणसी, कहाँ, भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है, तो वाराणसी में सुरक्षित है, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और जो है पूछा जाएगा कि बीरबल का व्यक्ति चित्र, क्या बीरबल का व्यक्ति चित्र, तो बीरबल का व्यक्ति चित्र है किसने बनाया था, तो बसावन ने बनाया था, कौन बनाया था, बसावन ने बनाया था। और एक आप और देखिए, फिर प्रश्न जो है इसमें दिखाया है क्या, और ये चित्र बसावन के चित्रों में, बसावन के चित्रों में क्या गठनशीलता देखेंगे, क्या दिखा रहा है, ये गठनशीलता, ठीक, गठनशीलता का उत्तम प्रयोग किया है, ठीक है। ये गठनशीलता की बात करेंगे, यथार्थवाद में जो शैली में जो चित्र बने हैं, अरे अब जो लोग लड़के जिम ज्वाइन करते हैं ना, तो जिम ज्वाइन करते हैं, गन्नी बनिया आयन कुल निकाल देते हैं, तो मस्जिद से दिखाते हैं, वही गठनशीलता की बात कर रहे हैं, यानी मांस को जो है, शरीर को जो है सुडोल और जो है गठनशीलता दिखाएंगे, किसी ने दिखाया, बसावन ने, चित्रकार ने दिखाया, कौन दिखाया, अपने चित्रों में बसावन ने जो है दिखाया है। और देखेंगे क्या, और इसके साथ जो है बसावन जो है कितने वर्षों तक, बसावन जो है 40 वर्षों तक कार्य किया है, कितने 40 वर्षों तक कार्य किया, ये 40 वर्षों तक कार्य किया, उसके बाद जो है बसावन ने कार्य किया। और ये आपको पूछा जाएगा, तो बसावन के प्रमुख शिष्य कौन थे, यानी प्रमुख शिष्य, यानी कौन सहयोग, यानी सहयोग दिया, तो कौन थे, सहयोग दिया था मिस्किन थे, और कौन थे, और क्या, भीम गुजराती, ये जो, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, ये जो है अकबर के समय का विशिष्ट चित्रकार है, अकबर के समय का विशिष्ट चित्रकार है
और ये बता दे रहे हैं, ये जो है आगे चल करके इन्होंने कुछ चित्र बनाए, क्या इन्होंने जो है कुछ चित्र बनाए हैं, ये धीरे धीरे ध्यान देना है। फिर आगे चलेंगे, कौन से चित्र बनाए हैं ये ध्यान देना है। चलते हैं देखते हैं कौन कौन चित्र बनाया गया, कौन कौन। रामायण का चित्रण किया, रामायण का चित्रण, अकबरनामा का चित्रण, अकबर नामा का चित्रण, ठीक है। फिर देखेंगे इसमें क्या है, और क्या है, घोड़े के साथ, क्या घोड़े के साथ, घोड़े के साथ निर्जन, निर्जन मरुस्थल में, मरुस्थल में घूमता मजनू, घूमता मजनू, मजनू का चित्र बनाया है, चित्र बनाया है। फिर आगे चलेंगे, अभी हम बताए थे क्या, शेख, शेख आबू द्वारा, द्वारा दरवेश, दरवेश क्या है, दरवेश से बात करते हुए, दरवेश से बात करते हुए, करते हुए। ये फिर आगे चलेंगे क्या, फिर आगे देखेंगे, दरवेश, दरवेश सुई में धागा, धागा डालते हुए, डालते हुए, ठीक है। तीन चार पांच, और क्या है, दराब नामक, क्या है दराब नामा, दराब छठवा, दराब नामा, ठीक है। और सातवां चित्र क्या है, बीरबल, क्या बीरबल का व्यक्ति चित्र, ठीक है। और एक है, ये चित्र है अकबर का, अकबर का व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र जो पौने दो चश्मे, पौने दो चश्मे, चश्मे चश्मे में बना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम चलेंगे, अब चलेंगे क्या, भारत यानी अकबर के समय, क्या चलेंगे, अब अकबर के समय में क्या चलेंगे, अकबर के समय, अकबर के समय में चार भागों में चित्र बांटे गए, क्या अकबर के समय में चार भागों में, चार भागों में, भागों में चित्र, चित्र बांटे गए, बनाए गए, बनाए गए, बनाए गए। पहला कौन है ये देना, ध्यान देना है। पहला जो है अभारती कथाएं, अभारती कथाएं, कथाएं, अभारती कथाएं। दूसरा क्या है, आपको ध्यान देना है क्या, भारतीय कथाओं के चित्र, भारतीय कथाओं, कथाओं के चित्र, यह जो है अभारती कथाएं, क्या है अभारती कथाओं के चित्र, ठीक है। फिर जो है तीसरा क्या, तीसरा चलेंगे, तीसरा देखेंगे ऐतिहासिक चित्र,
ऐतिहासिक ऐतिहासिक चित्र, ठीक है। और चौथा क्या है, पांचवा देखेंगे व्यक्ति चित्र, व्यक्ति चित्र देखेंगे, फिर देखेंगे सभी चित्र देखेंगे, सभी चित्र देखेंगे, फिर इसके बाद क्या देखेंगे, पोर्ट्रेट चित्र, पोर्ट्रेट चित्र चित्र देखेंगे। ये कल जो है मैं लेकर आऊंगा, ठीक है, कल मैं इसको लेकर आऊंगा। और ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, यानी इसको कल हम लेके पहले देखेंगे, क्या देखेंगे, भारतीय कथाओं, तो भारतीय कथाओं की बात करेंगे। चलते हैं देखते हैं भारतीय कथाएं, यानी पहला हेडिंग क्या है, भारतीय कथाओं कथाओं के चित्र, ये भारतीय कथाओं के चित्र में देखेंगे। पहला जो है पॉइंट रखेंगे, क्या पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट देखेंगे क्या है, तो पहला पॉइंट देखेंगे दास्तान 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 ये अमीर अमीर हमजा, ठीक है, पहला हो गया। दूसरा देखेंगे क्या, दूसरा देखेंगे तूतीनामा देखेंगे। तीसरा बुक देखेंगे क्या है, तूतीनामा। तीसरा जो है गुलिस्ता, क्या है तीसरा, क्या है गुलिस्ता, ठीक है। फिर जो है चौथा क्या है, आपको ध्यान देना है, दीवाने हाफिज, दीवान ए हाफिज हाफिज, ठीक है, हाफिज दीवाने हाफिज। और एक आखी है खमसा निजामी, पांचवा क्या है खमसा, ठीक है, तो खमसा निजामी। यानी इसमें क्या है, लैला, क्या लैला मजनू की कहानी है, कि कहानी या कथा, ठीक है। और ये जो है आगे भी तूतीनामा, यानी तोते का, तोते की प्रेम कथा, प्रेम कथा, ठीक है, का वर्णन हुआ है, ठीक। और जो है ये हम हल्का हल्का जो है चलेंगे। अब दूसरा हेडिंग चलेंगे, क्या दूसरा हेडिंग चलेंगे, भारतीय कथाओं के चित्र, ठीक भैया। तो आप लोग जो है सभी छात्रों को बहुत बढ़िया है, या भारतीय कथा का लिख दिया, भारतीय कथाओं कल से मैं लिखाना मतलब चालू कर दूंगा, इसको समझाना चालू कर दूंगा। तो ये देखे हैं क्या है, अनवरे ये सुहेली, पहला क्या है अनवरे, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, ये देखेंगे अनवर ये सुहेली, ठीक है, अनवर ये सुहेली, ये पहली हो जाएगा। और देखेंगे ये अनवर सुहेली जो है किसमें, पंचतंत्र, किसमें है, तो पंचतंत्र में है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो पंचतंत्र में वर्णन किया गया, पंचतंत्र अनवर सुहेली, ठीक। अब ये जो है दूसरी बुक है, तो दूसरी बुक को हम देखेंगे क्या है, रजनामा। तो रजनामा का क्या नाम है, महाभारत, क्या महाभारत, ठीक है। तीसरी पुस्तक, तो तीसरी पुस्तक क्या है, रामायण,
रामायण, यानी ये जो है भारतीय कथाओं की बात कर रहा है। चौथा, तो चौथा क्या चलेगा, तो चौथा में आयार ये दानिश, यार ये दानिश, दानिश ठीक है, अयार ये दानिश, अयार ये दानिश भी जो है किसमें है, पंच, क्या है, पंच तंत्र, तो पंच तंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है, अयार दानिश, अनवर सुहेली, पंचतंत्र, ठीक है, महाभारत रजनामा, और जो है पचवा, क्या पचवा बुक चलेगी, क्या पचवा हम लिखाने जा रहा हूँ, पांच, क्या फाइव नंबर, तो फाइव नंबर में देखेंगे क्या, ठीक है, देखे तो फाइव नंबर में क्या है, कलीला दमना, कलीला दमना, कलीला दमना भी किसमें है, लिखी गई है पंचतंत्र, क्या पंचतंत्र, ठीक है, और छठवीं बुक है क्या, छठवीं बुक, तो छठवीं बुक क्या है, नल दमयंती, यह छठवा नंबर है, क्या है छठवा नंबर, क्या है नल दमयंती, ठीक है, तो नल दमयंती देखेंगे, फिर हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण, हरिवंश पुराण भी है सातवां नंबर, ये कल ही पढ़ाएंगे हम, आज नहीं पढ़ा पाएंगे, और आठवां क्या है, दशा अवतार, दशा अवतार, ठीक है, और हम फिर जो है अब चलेंगे ऐतिहासिक, क्या चलेंगे, तीसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग क्या है आपका, तीसरा ऐतिहासिक चित्र, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक चित्र, ठीक है, ऐतिहासिक चित्र देखेंगे किसमें किसमें बने हैं, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अब इसके अनुसार से हम चलेंगे, क्या इसमें देख लेते हैं, पहला, तो पहला क्या देखेंगे, शाहनामा, शाहनामा, तो शाहनामा, ठीक, उसके बाद दूसरी, दूसरी पुस्तक क्या है, तैमूरनामा, 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 तो तैमूरनामा, तीसरी देखेंगे बाबरनामा, 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 चौथी, चौथी पुस्तक देखेंगे तारीखे अल्फी, क्या तारीखे, तारीखे ये अल्फी, तारीखे अल्फी, क्या तारीखे अल्फी देखेंगे जमीत उल, क्या जमी देखेंगे, क्या है जमी, क्या है जमी उत ए तवारीख, तवा, तवारीख, तवारीख है, ठीक है, और छठवां देखेंगे क्या, छठवां देखेंगे अकबरनामा, अकबर, अकबरनामा ये, ठीक है, और पहली बात इसके, इसके बारे में लिख लिया जाए थोड़ा, ये भी आने की संभावनाएं रहती हैं, ठीक है, तो हम ये इसी में लिखेंगे क्या, शाहनामा, तो शाहनामा क्या है ये ध्यान देना है, ईरान का इतिहास, ईरान का इतिहास, इतिहास, ईरान का इतिहास है, और इसके बाद तैमूर, तैमूर में क्या देखेंगे, तैमूर में देखेंगे तैमूर का इतिहास, तैमूर क्या है ये, तैमूर क्या, तैमूर क्या है, तैमूर, तैमूर का इतिहास, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, बाबरनामा, बाबर का इतिहास, बाबर, ठीक है, ये थी बाबर का इतिहास, इतिहास, फिर देखेंगे तारीखे अल्फी, तो तारीखे अल्फी क्या है, यहाँ क्या है तारीखे अल्फी, दुनिया का इतिहास, दुनिया का इतिहास, इतिहास, फिर जो है जमी उत तवारीख, क्या दिखा, जमी उत तवारीख, ये जमी उत तवारीख में क्या है, मंगोलों का इतिहास, मंगोलों,
का इतिहास मंगोलों का इतिहास है और अकबरनामा इनमें देखेंगे अकबर का इतिहास है। क्या है? अकबर का इतिहास है, इतिहास। ठीक है, ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आप लोग देखेंगे चौथा हेडिंग क्या है, चौथा हेडिंग क्या है, व्यक्ति चित्र। क्या है? व्यक्ति चित्र। ये व्यक्ति चित्र ये देखा जाएगा। और क्या है? सभी चित्र। फिर इसके बाद क्या है, सभी चित्र के बाद क्या है, एक चित्र और देखेंगे, पोर्ट्रेट चित्र। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है कल से मैं स्टार्ट करूंगा। क्या ये मैं पूरा जो है लिखा दिया हूँ। अब कल मैं क्या हेडिंग देंगे, पहला जो है अब भारतीय कथाओं में दस्ताने अमीर हमजा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? दस्ताने अमीर हमजा पढ़ाएंगे। और कल मैं लेके आऊंगा। ठीक है, और ये आज जो है जीटी पीजीटी कला जो है सभी छात्र छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं। चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में आपका स्वागत है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप लोग जो है कहीं देरी ना करें, एडमिशन में अवश्य लें और आपका सफलता श्योर एंड सर्टेन होगा। ये कुछ नहीं मैं कहूँगा, आपका मेहनत ही आपका फल मिलेगा। ठीक है, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आप लोग मेहनत कर रहे हो, ये बढ़िया से नोट तैयार कर लोगे तो कभी ढूंढने में नहीं पाओगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा। आपको एक ही बार जो है कोचिंग करिए, बढ़िया जगह करिए, आपको जियो श्योर एंड सर्टेन है आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आप पढ़िए, जिस तरह हम डेली आपको प्रश्न भी दे रहे हैं, थ्योरी भी दे रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग पढ़िए और आपका सफलता जरूर मिलेगा। आपको इसी बात को